मनीषा की दिलकश अदा, इशानी पर शिव हुआ फिदा, माँ की प्यारी बिटिया, कलाकार की डियर जिंदगी, सास बहू और बेटियां आज मिलने पहुंच गया है जी टीवी के सीरियल लज्जा गले की इशानी यानी कि तनिषा मेहता से, जो रियल लाइफ में बहुत ही चुलबुली हैं, बिल्कुल इशानी की जैसी। इनका अंदाज भी है सिंपल और सोबर, पली बड़ी विदेश में है लेकिन दिल से है संस्कारी। तो आइए शुरुआत करते हैं तनिषा मेहता संग डे आउट की, जहां आज तनिषा बताएंगी अपना दिनचर्या, घुमाएंगी अपना घर, मिलाएंगी अपनी मम्मी से, सेट पर जाने से पहले लेंगी ऊपर वाले का आशीर्वाद, सास बहू और बेटियों को ले चलेंगी ऐसी जगह जहां की ये है परी, तय करेंगी घर से लेकर सेट तक का सफर, ढलेंगी अपने किरदार में, और इसके लिए हमें इन्हें घर जाकर बोलना होगा गुड मॉर्निंग। आइए आइए, वेलकम टू नॉट इशानीज होम बट तनिषाज होम। बिकॉज हमारा स्केड्यूल काफी हेक्टिक रहता है तो हमें सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, तो जब लेट कॉल टाइम रहता है मैं यूजली तो लेट उठती हूँ, बट आज मैं जल्दी उठी हूँ आप लोगों को मेरा घर दिखाने के लिए और हाउ आई स्पेंड माई डे दिखाने के लिए। 4 साल पहले तनिषा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया शिफ्ट हुई हैं। बचपन से ही वो विदेश में पली बड़ी हैं। मुंबई में उन्होंने अपना घर बहुत ही प्यार से सजाया है और आज हम करेंगे उनके घर की सैर और साथ ही मिलेंगे उनके खास दोस्त से। एक्चुअली 4 साल पहले जब मैं आई थी ये घर काफ़ी सिंपल था, बट मुझे सिंपल रहना पसंद नहीं है, तो फिर मैंने काफ़ी शॉपिंग करी घर में घर के लिए। सो, ये मेरा छोटा सा घर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, यहाँ पे मंदिर है, छोटू सा मंदिर है। तो आई बिलोंग फ्रॉम अ जैन फैमिली, तो उसमें हमारे जैन भगवान है, गणपति बापा है, माँ है, साई बाबा है, आई वेरी मच बिलीव इन साई बाबा लॉट। सो ये मेरा छोटा सा मंदिर, ये मेरा बीन बैग है, जब मैं मुझे रिलैक्स करना है तो ये बीन बैग निकालती हूँ, टीवी पे मूवी लगाती हूँ और चिल करती हूँ। एंड दिस इज़ माई लिटिल टेडी बेयर जो पापा लाए थे मेरे लिए 4 साल पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आए थे, एंड मैं ट्राई कर रही थी इंडस्ट्री में, तो थोड़ी मैं सैड होती थी बीच में, तो उन्हें लगा कि ये क्यूट सा टेडी बेयर देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। एंड इट्स स्टिल वेरी सॉफ्ट एंड इन अ रियली नाइस कंडीशन। इसका एक्चुअली हाँ मैंने फ्लफी नाम रखा था बिकॉज इतना फ्लफी है ना, मतलब इसको कडल करके ही नींद आने लगती है। ये मैंने काफ़ी जगह ढूंढा था एक्चुअली, आई डोंट जस्ट शॉप फ्रॉम वन प्लेस, आई गो टू मल्टीपल प्लेसेस जब तक मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लग जाता। तो मैंने बहुत सारी जगह चेक किया था, यहाँ पे मीरा रोड में, अंधेरी में, बहुत सारे फर्नीचर के दुकान में चेक किए थे, बट आई वेंट टू बॉम्बे, स्पेसिफिकली वेंट टू बॉम्बे एंड आई सॉ दिस इन अ वेरी स्मॉल स्मॉल लैम्प की दुकान एंड आई रियली लाइक इट, तो मैं ये लेकर आई। उस इट्स गोल्डन वाइट एंड ये जो थोड़ा शिमी शिमी है ना डायमंड टाइप, ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। My favorite color is purple and somebody told me कि आपका जो favorite color है, not only favorite color but मेरा lucky color भी purple ही है, तो मैंने सोचा घर में थोड़ा purple tinge लाऊं, तो this is just for that। Purple is a very difficult color, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि purple को कैसे hall में उसको वो करूँ, बट गोल्ड ऑलवेज वर्क्स, सो आई डिसाइडेड कि क्रीम गोल्ड एंड पर्पल के साथ काम करूँ, दैट इज़ वाई दिस पर्पल इन हियर, थोड़ा सा गोल्ड है, फिर यहाँ पे मैंने गोल्ड एक वाज रखा हुआ है जो इट्स वेरी प्रेशियस टू मी, बहुत मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो इट्स वेरी प्रेशियस फॉर मी। एंड ये पीकॉक फेदर्स, आई वेरी मच बिलीव इन इट, इट ब्रिंग्स लक टू योर होम। तो जब मैं राजस्थान गई थी, मेरी फैमिली राजस्थान गई थी, तब वी सॉ पीकॉक्स एंड दे वर लीविंग फेदर्स, तो वी पिक देम अप क्विकली और हम वहाँ से यहाँ पे लेकर आए। सो ये मेरे सबसे फेवरेट है,
ये है मेरे हैप्पी मैन जो मेरे लिए बहुत 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 लकी है. आई बिलीव कि ये हमारे घर में लक लाते हैं एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट. एक्चुअली हमें ये गिफ्ट ही मिला था बट बहुत 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 ही अच्छा गिफ्ट है ये. बहुत प्रेशियस है मेरे लिए. घर की सैर के बाद तनिषा पहुंच गई अपनी रसोई में अपनी पाक कला दिखाने के लिए. तनिषा की मम्मी को तनिषा के हाथों की चाय बहुत पसंद है, इसीलिए तनिषा हर दिन अपनी मम्मी के लिए बनाती है अपने हाथों से स्पेशल चाय. एक्चुअली आई नो हाउ टू कुक. मुझे चाय बनानी आती है, मैगी बनानी आती है, बट अभी काफ़ी टाइम से कुछ भी बनाया नहीं है क्योंकि हम ऑलवेज शूट पे ही रहते हैं. सो मम्मी बनाती है, मेरी टिफ़िन बनाती है, सुबह सुबह गर्म गर्म चाय देती है मुझे. बट आई विल मेक समथिंग फॉर यू टुडे. आई लाइक पानी वाला चाय. ये चाय पीते ये 2 चम्मच शक्कर डालेंगे हम इसमें. अब हम डालेंगे अदरक. अदरक के बिना चाय अच्छी नहीं लगती एंड आई लव अदरक. मुझे पर्सनली अदरक वाली चाय बहुत पसंद है तो मैं आप सबके लिए भी अदरक वाली चाय बना रही हूँ. लो, चाय उबल गई है और अब बन चुकी है. बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ मैं. आज मुश्किल से घर पे टाइम मिला है. गर्मा गर्म चाय मेरी तरफ से. लीजिए, गर्मा गर्म चाय बनकर तैयार है और चाय पीने का मजा तो साथ में ही आता है. ऐसे में दोनों माँ बेटी ने मिलकर ना सिर्फ चाय की चुस्कियाँ ली बल्कि की ढेर सारी गपशप और खुली तनिषा की पोल भी. दूसरा कप मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सिस्टर, मेरी सब कुछ, मेरी सुपर मॉम के लिए. अभी बुला कर लाती हूँ. माय मॉम. चलो आज आप मेरी हाथ की चाय पियो. गॉड, मुझे डर लग रहा है. कैसी बनी होगी चाय? मम्मा को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक है. वेरी नाइस. शक्कर ज्यादा तो नहीं है? नहीं. ओके. 10 out of 10. Tanisha is born in India but brought up in New Zealand in Australia. और उसकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है. तो भी तनिषा बहुत ही अच्छा हिंदी बोल लेती है और लोगों ने उसे पसंद किया है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की लाइफस्टाइल से डायरेक्ट इंडिया की लाइफस्टाइल में एडजस्ट होके उसने बहुत लंबी जर्नी यहाँ की तय की है. तनिषा को टीवी पर ऑन स्क्रीन देख के सिर्फ मैं नहीं, उसकी नानी, उसके पापा, उसकी बहन सबसे ज़्यादा खुश होती है. बहन तो इतनी खुश होती है कि ऑस्ट्रेलिया में पूरा वो वायरल कर देती है, उसका हर एक शॉट, हर एक एपिसोड, हर एक चीज. और पापा तो सिर्फ गूगल जब ईशानी स्क्रीन पे रोती है, पापा यहाँ पे सोफे पे बैठे बैठे रोते हैं. पापा की एकदम लाडली है. तो भी पापा ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि ईशानी को इतना दूर, तनु को इतना दूर अपने आप से रख के, क्योंकि तनु कुछ कर लेगी ये उनको पता है. तो पापा, उसकी बहन, मैं, नानी सब बहुत खुश होते उसको ऑन स्क्रीन देखकर. जी एक्चुअली न्यूजीलैंड में 12 साल रही हूँ मैं और ऑस्ट्रेलिया में 5 साल रही हूँ. न्यूजीलैंड में मैंने स्कूलिंग करी थी, ऑस्ट्रेलिया में मैंने अपनी डिग्री कम्प्लीट करी है. तो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों के एक्सेंट काफ़ी अलग है. और फिर जब मैं इंडिया आई थी, मेरा ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था. तो मेरे पहले 2-3 जो ऑडिशन है, आप देखोगे मैं हिंदी कम बोल रही हूँ, ऑस्ट्रेलियन का एक्सेंट ज़्यादा आ रहा है उसमें. बट धीरे धीरे मैंने पिकअप कर लिया.
भाई बातें शाते तो हो गई, अब बारी है काम पर जाने की। लेकिन सेट पर जाने से पहले तनिषा अपनी दो फेवरेट जगह पर जाना कभी नहीं भूलती। एक तो है मंदिर, जहां वो हर दिन जाकर लेती हैं भगवान का आशीर्वाद, और दूसरी जगह है उनकी मम्मी का ब्यूटी सैलून, जहां की वो है हीरोइन, और वहीं से वो तैयार होकर अपने सेट की ओर रवाना होती है। सो अभी हम चलते सेट की तरफ, लेकिन उससे पहले ऐसी दो जगह है जहाँ पे मुझे आपको लेके जाना है, जहाँ पे मैं कभी जाना भूलती नहीं हूँ। सो लेट्स गो। तो अब हम चलेंगे सीक्रेट जगह पे। फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल जगह है। मैं हर सुबह यहीं पे आती हूँ शूट पे जाने से पहले। आई ऑलवेज कम ओवर हियर। दिन की शुरुआत मेरी यहीं से होती है, क्योंकि इन आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, एंड इनके ब्लेसिंग्स के बिना मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती। सो आई थिंक ब्लेसिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं यही प्रे करती हूँ भगवान से कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, और आपने जो दिया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। शनि भगवान है एज़ वी ऑल नो, एंड हर सैटरडे, एवरी सैटरडे मैं शनि मंदिर जाती हूँ, इनको हार और तेल चढ़ाती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत 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 मुश्किल वक्त में साथ दिया है। सो दैट इज़ वाई आई नेवर फॉरगेट सैटरडे को मैं इनको हार और तेल चढ़ाती हूँ। वो वॉलीबॉल सेक्शन है, बीच में क्रिकेट सेक्शन है, और ये बास्केटबॉल सेक्शन है। ये हमारे सोसाइटी का पूरा बड़ा ग्राउंड है। जब वी ऑल नो कि स्केड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता है सीरियल में, तो जिम जाने का, वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता, बट वी ऑब्वियसली हैव टू टेक केयर ऑफ आर हेल्थ, आर फिजिक। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। ये पाथ बना हुआ है जहाँ पर मैं जॉगिंग करती हूँ रात को। घर पे आती हूँ मैं अराउंड 9 o'clock, 9:30-10 बजे मैं आ जाती हूँ घर पे। उसके बाद मैं फटाफट चेंज करती हूँ, अपने रनर्स ट्रेनर्स पहन लेती हूँ, और फिर यहाँ जॉगिंग शुरू करती हूँ। सो ये पहला पड़ाव हो गया, अब मैं आपको सेकंड पड़ाव पे लेकर जाती हूँ। सो हम पहुँच गए हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे, मेरे और मेरी मॉम का सैलून, DLUR सैलून। As you can see, मेरी सबसे बड़ी फ़ैन मेरी मॉम है, उन्होंने अपने सैलून पे मेरा पोस्टर भी लगा दिया है। ये फ़ोटो आई थिंक एक फ़ोटोशूट पे खिंचवाया गया था 5 years ago, हाँ, तो उनको ये फ़ोटो बड़ा पसंद है, तो उन्होंने ये लगा दिया था। लेट्स गो। सो ये मेरा सैलून है, और मैंने
एक्चुअली मैंने यहाँ का भी डेकोरेशन मैंने ही किया है, बहुत सारे कोट्स डाले हैं मैंने फॉर पॉजिटिविटी, वहाँ पे भी गुड वाइब्स ओनली। और ये हेयर स्पा, हेयर वॉश एरिया, पेडिक्योर रूम, मेरा फेवरेट रूम, आई लव गेटिंग पेडिक्योर्स डन, माय फेवरेट रूम, पेडिक्योर करवाती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे फेशियल्स वगैरह सारे ट्रीटमेंट होते हैं। यहाँ पे भी मम्मा ने मेरा पोस्टर लगाया हुआ है, देख दिखा दो एक बार, मतलब उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि पोस्टर अच्छा लगे। सो ये मेरी और मेरी मॉम का सैलून है, मम्मा इस सैलून को मैनेज कर रही है और करते आई है। अब इस सैलून को होने वाले हैं कितने साल? 8 साल होने वाले इस सैलून को। और ये सैलून हमारे लिए बहुत 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 स्पेशल है, क्योंकि ये सैलून की वजह से मम्मा आई थी यहाँ पे, और मम्मा यहाँ उसके बाद मैं आई यहाँ पे। सो बहुत ही बड़ा कनेक्शन है इस सैलून को लेके और हमारे साथ। हाँ, बहुत बार इन्होंने हेल्प की है, मेरे पास मेकअप और हेयर के ऑर्डर्स आते हैं तो इनके थ्रू इन्होंने कर्ल्स किए हैं, हेयर स्टाइल की है, मेकअप किया है ब्राइड्स का। तो तनिषा मैडम इज़ ऑल राउंडर, शी डज ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज एंड शी हेल्प्स मी, थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते हैं। जैसे शूटिंग से थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो सैलून में आती है, जब हमें ज़रूरत पड़े तो ये ज़रूर हेल्प करती है। अब घर पे तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि या तो मैं शूट पे रहती हूँ या वहाँ पे, तो आई नो कि मम्मा सैलून में ही मिलेगी। अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई है, एज़ वी ऑल नो मुंबई का ट्रैफिक कोई बीट नहीं कर सकता, तो अब हम चलेंगे सेट पे, लेट्स गो। अपनी फेवरेट जगह घुमाकर तनिषा फटाफट बैठ गई अपनी कार में सेट पर जाने के लिए। लेकिन इस सफर में तनिषा ने अपनी जिंदगी का सफर भी सुनाया, विदेश में रहकर उन्होंने हिंदी भाषा कैसे सीखी, कैसे उन्हें मिला अपने करियर का ब्रेक सीरियल शुभ लाभ से। मैं पैदा हुई थी बॉम्बे में, मीरा रोड में ही पैदा हुई थी। फिर आई थिंक जब मैं 1 साल की होने वाली थी, मेरे पापा का वीज़ा लग गया और हम न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। तो मॉम और मैं, पापा, मेरी बहन, हम सब न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। तो मेरी जो किंडरगार्टन का फेज़ था, स्कूलिंग का फेज़ था, वो सब न्यूजीलैंड में। जब मैंने बात करना शुरू किया था वो मैंने न्यूजीलैंड में ही किया था, आसपास के लोगों को देख के किंडरगार्टन में। तो माय फर्स्ट लैंग्वेज वाज इंग्लिश। एक कहानी सुनाती हूँ क्या हो गया था, कि अब बाहर का कल्चर अलग होता है, तो बाहर लोग बहुत कम मॉम या डैड बोलते हैं, नाम से बुलाते, ऐसा था उस टाइम पर। तो मैं भी अपने फ्रेंड्स को देख के मेरे पापा को उनके नाम से बुलाने लगी। पापा हो गए शॉक, ये क्या हो गया। तो उन्होंने इंडियन चैनल लगा दिया घर पे, वो बाहर एक बॉक्स आता है जो आप प्लग करते हो और हिंदी टीवी सीरियल्स देखने मिलती है। तो फिर उन्होंने वो लगा दिया और मैं दिन रात सिर्फ हिंदी टीवी सीरियल्स देख रही थी तब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो सब चल रहा था, कसौटी ज़िंदगी के, तो वो सब देख रही थी मैं, सारे शोज देखती थी मैं। एंड फाइनली मैं हिंदी बोलने लगी, लिटरली मैं हिंदी सिर्फ टीवी सीरियल्स देख के सीखी हूँ। वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में बहुत फ़र्क है। मतलब बाहर जितना मैं जानती हूँ कि बाहर सोशल लाइफ बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा क्या था, मैं उठती थी, मैं कॉलेज जाती थी, कॉलेज ख़त्म होने तक तो सब बंद हो जाता था, तो फिर कहाँ जाए, सिर्फ गार्डन में घूम सकते हो, फिर घर जाओ, फिर घर में भी मतलब आई गेस 8-9 बजे तक सो जाओ, यही कल्चर है वहाँ का। और यहाँ पे आने के बाद मतलब मुंबई जैसे शहर में तो दिस सिटी नेवर स्लीप्स, तो ये देखने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, कि मतलब चीज़ें हैं करने को, एक्सप्लोर करने को। आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट था मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं आर्किटेक्चर ही करती हूँ, बट मेरे मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं
ट्राई करो अभी ही मौका है एंड यू शुड नेवर रिग्रेट इन फ्यूचर कि मैंने ये नहीं किया. तो दैट्स वाई मतलब इंडस्ट्री के बाहर में भी बहुत सारे जॉब्स किए हैं ऑस्ट्रेलिया में. मतलब मेरा स्केड्यूल ऐसा था कि मैं सुबह 8 बजे उठूँगी, 9 बजे तक स्कूल पहुँचूँगी, फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद अराउंड मतलब कॉलेज में अलग दिन अलग अलग टाइमिंग्स थे कि मतलब कभी 2 घंटे सिर्फ, कभी 4 घंटे. तो 9 से 2 बजे तक मेरा कॉलेज था, फिर 3 से 6 में मेडिकल क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी 3 से 6. फिर 6:30 बजे मतलब सब पास में ही था, तो 6:30 बजे मैं रेस्टोरेंट जाती थी और कैफ़े और कैफ़े में बरिस्टा का काम कर रही थी 6 से 9 बजे. फिर 9 बजे मैं घर जाती, 10 बजे मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती और 11:30 बजे मैं सो जाती. मुझे आगा कुछ भी नहीं पता था. मेरे मॉम के एक दोस्त थे जो आई थिंक बालाजी में काम कर रहे थे, तो उन्होंने जब मैं लैंड हुई इंडिया फर्स्ट डे उन्होंने मुझे एक ऑडिशन के लिए भेजा था. तब मेरे हिंदी में एक एक्सेंट आती थी, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट आती थी, तो उस वजह से मैं रिजेक्ट हो गई थी. बाकी सब परफॉर्मेंस सब उनको अच्छा लगता, वो एक्सेंट जाने को भी टाइम लगता है. तो फिर ऐसे मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए लेकिन वो मेरे एक्सेंट की वजह से मैं रिजेक्ट हो गई थी. तो फिर मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे, उर्दू क्लासेस ज्वाइन किए थे किशोर नमित कपूर इंस्टीट्यूट में, और वहाँ आई थिंक मैंने 3-4 महीने का कोर्स किया और मेरी हिंदी इम्प्रूव हो गई. मैंने बहुत अपने हिंदी पे काम किया है टू मेक इट साउंड दिस गुड. तो वो है, और स्ट्रगल तो बहुत किया है. आई मीन बहुत टीवी कमर्शियल्स के लिए ऑडिशंस दिए हैं, म्यूज़िक वीडियोस के लिए रिजेक्ट भी हुई हूँ, सिलेक्ट भी हुई हूँ, काफ़ी बार सिलेक्ट भी हुई हूँ. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस. बहुत मेहनत लगती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं. मैं तो ट्रेन में ट्रैवल करती थी क्योंकि मुझे एक जगह पे फास्ट पहुंचना था ताकि मैं पूरा दिन अलग अलग जगह जाके ऑडिशंस दूँ, पूरे दिन अलग अलग जाके. हाँ, तो आई डोंट नो, आई मीन व्हेन आई थिंक अबाउट दैट फेज तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय गॉड कितनी मेहनत करी है मैंने और अभी मैं जहाँ पर पहुँची हूँ वो इट्स वर्थ इट, डेफिनेटली इट्स वर्थ इट. हाँ, तो मेरा पहला शो था शुभ लाभ सब टीवी पे. अभी वो लास्ट ईयर अगस्त में ही ख़त्म हुआ है, 1 साल तक चला वो शो. उसमें मैं बहू का रोल प्ले कर रही थी. इट वॉज़ अ फीमेल ओरिएंटेड शो. उसमें लक्ष्मी माँ थी, उनकी क्या वो भक्त, उनके भक्त, और मैं भक्त की बहू बनी थी. काफ़ी अच्छा चला था शो. मैंने काफ़ी लड़कियों को इंस्पायर किया था उस शो में बिकॉज आई वॉज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फाइटर. तो अभी भी लोग मुझे पहचानते, श्रेया दीदी करके भाग के आते और सेल्फीज़ लेते, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इतनी सारी लड़कियों को इंस्पायर किया था. मैंने सेट पर पहुँचते ही तनिषा ने शुरू कर दी तैयारी ईशानी बनने की. तनिषा को मेकअप करने में ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि ईशानी का लुक बहुत ही सिंपल और सोबर है. मिनिमम मेकअप और मिनिमम हेयर स्टाइल, फटाफट करके तनिषा ईशानी के किरदार में ढल जाती हैं. वैसे तो इट रियली डिपेंड्स, अगर मैं लेट आई हूँ, लेट पहुँची हूँ, तो फिर हम तनिषा टू ईशानी का ट्रांसफॉर्मेशन आई गेस 15-20 मिनट में कर लेते हैं. बट अगर मैं ऑन टाइम हूँ तो फिर हम आराम से 40 मिनट लगा के पूरा प्रोसेस ख़त्म करते हैं. हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम अपनी स्किन का ध्यान रखें. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं फेस पे, क्रीम, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, टोनर, फिर रेटिनॉल, ग्लाइकॉल, बहुत सारी विटामिन सी सीरम, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती है. बट मैं जितना मेरी स्किन को जानती हूँ, ज़्यादा अप्लाई करती हूँ तो मेरी स्किन ज़्यादा रिएक्ट करने लगती है, तो फिर मैं कम अप्लाई करूँ वही अच्छा है. सो बेसिकली फेस वॉश करके आती हूँ सुबह को, फिर यहाँ पे भी थोड़ा पानी से वो साफ़ कर देते दादा, और फिर उसके ऊपर मैं लगाती हूँ ग्लाइकोल क्रीम जो मेरा मॉइस्चराइज़र है, और फिर उसके बाद मैं प्राइमर लगाती हूँ, फिर मेरा बेस शुरू करती हूँ. दैट इज़ माई प्रोसेस. फिर घर जाते वक्त मैं मेकअप वेट वाइप से उतारती हूँ. घर जाने के बाद मैं क्लींजर से उसको फिर से पूरा उतारती हूँ और फिर फेस वॉश से धोती हूँ. उसके बाद आई अप्लाई बेंजोइल पेरोक्साइड फॉर माय स्किन. आज दादा करेंगे शुरुआत
आई शेडो से। मेरे फेवरेट मेकअप दादा विजय दादा, बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं एंड वही मुझे एकदम खूबसूरत दिखाते हैं। सो थैंक यू दादा सो मच। अब शुरू करें। अभी मेरे फेस पे ऑलरेडी फाउंडेशन थोड़ा बहुत लगा हुआ है, अभी आईज़ ख़त्म करती हूँ, फिर मैं पूरा साफ़ कर लूँगी, फिर मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी, प्राइमर लगाऊँगी, फिर बेस फिर से करूँगी। ईशानी का लुक काफ़ी सिंपल है, वी ऑल नो शी इज़ फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो इसलिए ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं होता है मेरे फेस पे। अभी तो काफ़ी हेक्टिक चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा हैवी कर रहे हैं हम मेकअप, बट अदरवाइज आईज़ इसकी बहुत सिंपल है, छोटी सी बिंदी लगाती है। ये आई शेडोज लग रहे हैं मेरी आंखों पे, एकदम लाइट शिमर है इन द टोन्स ऑफ ब्राउन। मुझे वैसे भी, तनीषा को भी वैसे भी बहुत कम मेकअप और बहुत सिंपल मेकअप पसंद है। ये हल्का सा लाइनर लग रहा है। अब ये लग रहा है कटिंग, अब हम कॉन्टोर कर रहे हैं, कॉन्टोर चेहरे को थोड़ा शार्प और अट्रैक्टिव, क्योंकि क्या है ना, स्क्रीन पे हम जो है उससे डबल दिखते हैं, तो उसको कंट्रोल और मेंटेन बैलेंस आउट करने के लिए कटिंग करना पड़ता है। मेकअप में मेरी फेवरेट चीज़ है ब्लश और लिपस्टिक, ब्लश और लिपस्टिक के बिना मैं घर से निकलती नहीं। दिस इज लिप लाइनर, पहले मैं लिप लाइनर लगाती हूँ और फिर मैं एक अलग शेड का लिपस्टिक लगाती हूँ, अलग शेड, ताकि लिप्स भी एकदम स्टैंड आउट करें। आई लव माई लिपस्टिक एंड मस्कारा। बिंदी, छोटी सी ब्लैक बिंदी जो ईशानी का लुक है। अभी ब्लश 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 ब्लश। ऐसे मैं डैब करती हूँ, मैं ऐसे स्प्रेड नहीं करती हूँ, नहीं तो वो बेस हिल जाता है। ईशानी सिंपल से छोटी बनाती है एंड मतलब हर हेयर इज़ नॉट ऑलवेज नीट, हर हेयर इज़ ऑलवेज मैसी, क्योंकि वो बहुत सारे जॉब्स करती है, तो इसीलिए हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिला है कि हेयर कभी नीट नहीं रहने चाहिए। सो मैं खुद ही बाल बना देती हूँ अपने। अभी डेली हम अपने बालों पे हीट तो लगा नहीं सकते, राइट?
क्योंकि 12-12 घंटे, फिर 3-4 बार तो टचअप होता है दिन में, तो 3-4 बार हीट लगेगा वो भी पूरे बालों पे, तो हेयर लॉस होता है, फिर जल जाते बाल, तो उससे अच्छा है मतलब मोस्टली फॉर द मेन लीड विग होती है. मेरे पास भी विग है, जब कर्ल्स रहते हैं तो मैं विग लगाती हूँ, जब ऐसा एक सिंपल हेयर स्टाइल रहता है तब तो मैं अपने हेयर यूज़ करती हूँ, बट अब शादी के बाद फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल्स होंगे तो उसमें मैं विग ही यूज़ करूँगी. एंड विग ही यूज़ करना चाहिए, आई डोंट थिंक यू शुड डैमेज योर ओन हेयर. सबसे फेवरेट लुक मेरा वो वाला है जो पहले एपिसोड में टेलीकास्ट हुआ था. तो आज ये मेरा कॉस्ट्यूम है और अब मैं तनीषा से ईशानी के अवतार में तैयार होने जा रही हूँ. ज्यादा टाइम नहीं लगा. एज आई टोल्ड यू, ईशानी का कैरेक्टर बहुत सिंपल है, सो उसका मेकअप भी सिंपल है, उसका लुक भी काफी सिंपल है, एंड उसकी हेयर स्टाइल भी काफी सिंपल है. जस्ट अ वेरी सिंपल पोनी टेल जो लड़कियाँ करती है, बहुत फास्ट करती है, डजेंट टेक देम लॉन्ग टाइम. तो ईशानी को तैयार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मैं जब लेट आती हूँ तब फटाफट तैयार होकर सीन पे पहुँच जाती हूँ. एंड मुझे बहुत पसंद है, आई लव इतने हल्के कपड़े, सिंपल कपड़े, क्योंकि हम 12-12, 13-13 घंटे शूट करते तो ज़्यादा थकान नहीं लगती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना मेडिकल किट अपने साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स मैंने अभी तक प्ले किए हैं ना, मेरे सारे कैरेक्टर्स कुछ ऊट पटांग चीज़ें करती रहती है, स्टंट्स करती रहती है, गिरती पड़ती रहती है, भागती रहती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने साथ रैली स्प्रे, काफ़ी बार मैं बीमार भी पड़ जाती हूँ क्योंकि विक कंटिन्यूसली शूटिंग, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बारिश है, ये है वो है, तो विक्स भी है मेरे साथ. ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो सजेस्ट किया है, लोशन, वैसलीन, इलेक्ट्रोल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 12-13 घंटे काम करते हो तो एनर्जी डाउन नहीं जानी चाहिए. सो इलेक्ट्रोल एंड नेल पॉलिश, एक्चुअली अभी तो फिलहाल मेरे पास एक ही है, बट मेरे प्रीवियस शो में मुझे, मतलब अभी भी मैं नेल्स की बहुत शौकीन हूँ, बट मेरा कैरेक्टर काफ़ी सिंपल है तो मैं अलग कलर्स नहीं लगा पाती हूँ, बट यूजली आई कैरी ब्लू, पिंक, ग्रे, पर्पल, सारे कलर्स अपने साथ लेके चलती हूँ मैं. अभी तो फ़िलहाल ग्रे ही है क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ. ये दिस इज़ पार्ट ऑफ माई मेकअप रूटीन, ये जो मेरा टू फेस का कंसीलर है, ये मेकअप के पहले मैं ये ग्लाइकोल क्रीम लगाती हूँ, बिंदी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिप स्क्रब, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट रियलाइज इट, बट काजल भी एक्चुअली मैंने लगाया नहीं अभी, बट काजल लगाने का भी एक शॉट ले लो, बिकॉज काजल सबसे फेवरेट है मेरा. मेरा परफ्यूम, अरमानी का परफ्यूम, I love this perfume. जैसे सबका एक fragrance होता है, सबका एक scent होता है, this is mine and this is my favorite. Bath and Body Work का body spray, body mist, makeup ख़त्म होने के बाद makeup fixer, dry fluids. बस that's it. That's all I carry in my bag. इसी के साथ तनीषा मेहता का day out पूरा हुआ. उम्मीद करते हैं शिवा की ईशानी यानी कि तनीषा मेहता के बारे में जानकर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा. सास बहू और बेटियां इसी तरह आपको आपके चहेते सितारों के बारे में जानकारी देता रहेगा. थैंक यू सो मच, आप सबसे मिलके बहुत 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 अच्छा लगा. ऐसे ही तनीषा और ईशानी दोनों को प्यार देते रहिए और हमारा शो लग जा गले सिर्फ जी टीवी पे 6:30 बजे देखते रहिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसी एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.